हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब बताइएगा हमको ज़रूर। तो देखिए आज हम क्या बना रहे हैं। यहाँ देखिए ये मेरा झींगा, इसको हम लोग झींगे भी बोलते हैं, रमतोड़ी भी बोलते हैं। तो ये हमने धो करके साफ़ पानी से रख लिया। यहाँ देखिए मूली का पत्ता है, तो इसको भी हम धो लिए हैं। अब इसको हम कटिंग करके उबाल लेंगे इसको अच्छा से। और यहाँ देखिए मेरा हो गया, यहाँ मूली देखिए हम काट लिए हैं, यहाँ पर दो मूली काटे हैं, यहाँ बोदी है और यहाँ झींगा, जो हम झींगी बोलते हैं हम लोग, रमतोड़ा ही बोलते हैं इसको। तो इसको भी हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। और यहाँ मेरा एक टमाटर जाएगा, इसमें एक प्याज जाएगा। आज की सब्ज़ी बहुत स्पेशल है और स्वादिष्ट बनने वाली है, तो बने रहिए अभी हमारे साथ, वीडियो मतलब के साथ बने रहिए हमारे। और देखिए कि आज हम कैसी ये सब्ज़ी बनाते हैं। तो देखिए हम इसको काट लिए हैं और गैस पर इसको हम चढ़ा दिए उबालने के लिए। अब यहाँ पर उबलेगा, तब तक हम और सारी जो सब्जियाँ हैं उसको हम काट लेंगे। इसको हम ढक देंगे, नमक में कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इसको इसी तरह रहने देना है। तो देखिए मेरा ये मूली का पत्ता जो है वो बफा गया है, उबल गया है। अब इसको हम साइड में कर देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ गया मेरा ये सारा मिर्चा, देखिए ये गया इसमें तेल, इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, एक तेज पत्ता, क्या इसमें मेरा मिर्चा, प्याज। तब तक हम मसाले तैयार करते हैं। तो यहाँ हो गया थोड़ा सा काली मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, इन सबको हम घोल बना लेंगे। लाल मिर्च, यहाँ हो गया लहसुन अदरक का पेस्ट, इन सबको हम पानी डाल करके घोल लेंगे। हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है मसाले का। और यहाँ देखिए भिजा गया प्याज, इसमें जाएगा ये झींगा, मूली है, गोभी है, इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। पहले टमाटर, इसमें भुना गया, जितने मसाला भी हम घोल बनाए थे उसको हम इसमें डाल दिए। हमने सब चीज भुना जाएगा अच्छा से, एकदम स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। यहाँ सब्जी में यह तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें जो मूली का पत्ता उबाले थे और पीसी है ग्राइंडर में, इसको अब इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। वाह,
अब ये हो गया कि अब इस भात पर दाल नहीं बनाना पड़ेगा हमको, कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा, हम लोग सब्जी और भात खा लेंगे। और जितना भी कलर था सारा कलर ये मूली का पत्ता खा गया। देखिए और इनको भी हम 5 मिनट भून लेंगे। बढ़िया सभी इसको हम भूनेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। ये सब्जी मटन को भी फेल करता है, आप लोग बनाइए घर पर, बना करके खाइए और कमेंट में हमको बताइए कि ये सब्जी मेरा आज का ये कैसा था। ये स्पेशल सब्जी है, ये देहाती स्टाइल का सब्जी है बिहार का। मेरे भैया ये सब बहुत पसंद करते हैं, ये सब्जी जाते हैं खा के यहाँ से तो बोलते हैं कि वो पता नहीं कैसे वो सब्जी बनाई थी, बहुत मस्त लग रहा था। तो अभी हम इनको भूनेंगे, तब तक के लिए इनको तो देखिए हमारा सब्जी एकदम भुना गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और ये गया मेरे इसमें गरम मसाला। अब इनको हम 5 मिनट ढक देंगे और ढक के पका लेंगे। मेरी सब्जी रेडी, देखते हैं सब्जी का हाल। देखिए सब्जी बनकर के मेरा तैयार हो चुका है, अब हम इसको दूसरे बॉल में निकाल देंगे। तो देखिए हमारा सब्जी है बनकर तैयार हो चुका है, आप लोग बनाइए, बना कर के खाइए और हमको कमेंट में बताइए कि आज के मेरा सब्जी कैसा लगा। और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।